गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विरसा। मेरा नाम अंकित है और मैं आपको गिटार क्लास सिखाऊं और मैं भी आपको गिटार क्लास सिखाऊंगा। सब लोगों ने पहले गिटार क्लास अटेंड करी है? यस सर। और सबको ये म्यूजिकल नोट्स पता हैं? कितने म्यूजिकल नोट्स होते हैं? 12। करेक्ट, गुड। कौन कौन से होते हैं देखिए, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग 12 नोट्स होते हैं, जो कि मैंने अभी अभी इस पे बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं और आपको ऑलरेडी पता है। इन सारे म्यूजिकल नोट से मिलकर एक स्केल बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक स्केल। तो ये 12 नोट्स हमारे मिलकर बनाते हैं क्रोमैटिक स्केल। और इस स्केल को हम गिटार पे कैसे बजाते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिटार को हम सीखने के लिए एक डायग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं टैबलेचर। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो डायग्राम क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए सब बोर्ड की तरफ। जो मैंने 6 लाइंस बनाई हैं, ये हमारे गिटार की स्ट्रिंग्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। फर्स्ट स्ट्रिंग होती है हमारी जो गिटार की सबसे पतली वाली स्ट्रिंग होती है, जो कि ये है। ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, सबको दिख रही है? ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है। और जो ये हमारी सेकंड स्ट्रिंग लिखी है बी, ये हमारी सेकंड स्ट्रिंग है। थर्ड स्ट्रिंग हमारी जी है, वो हमारी ये लिखी। और फोर्थ स्ट्रिंग है हमारी डी, फिफ्थ है ए और सिक्स्थ है ई। तो जो यहां पे आपकी पहली स्ट्रिंग है, वो गिटार में अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो गिटार में हमारी लास्ट स्ट्रिंग होगी, मतलब जो हमारे सबसे पैरों से जो सबसे क्लोजेस्ट है वो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है। और जो भी जो स्ट्रिंग हमारे चिन के सबसे क्लोजेस्ट है वो हमारे सिक्स्थ है। तो अब हम देखेंगे, अगर हम जैसे हमें ई स्ट्रिंग पे कुछ भी बजाना है तो मैं यहां पे लिखूंगा 1, 2, 3 और 4। जो ये 1, 2, 3, 4 लिखा है मैंने, ये हमारे फ्रेट नंबर्स हैं। गिटार में जो हमारे ये डिविजन्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं, इन्हें हम फ्रेट्स बोलते हैं। और जो मैंने ये नंबर 1 लिखा है ई स्ट्रिंग के आगे, इसका मतलब हमें इस स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट प्रेस करना है, ये। और सेकंड जो लिखा है, इसका मतलब हमें सेकंड फ्रेट प्रेस करना है। और ये थर्ड लिखा है, इसका मतलब थर्ड फ्रेट है। और फोर्थ का मतलब फोर्थ। सिमिलरली अगर हमें आगे के फ्रेट्स लिखने होते हैं तो हम इसमें आगे भी लिख सकते हैं, आगे जहां तक हम लिखना चाहें। आपके गिटार में जितने फ्रेट्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बना सकते हैं। याद रखने के लिए आपने कुछ बजाया है या आपने को कुछ बजाना है तो आप उसके लिए ये डायग्राम बना के रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आप इसे यूज कर सकें। जैसे कि मैंने ये डायग्राम में 1, 2, 3, 4 ऐसे एक ही लाइन में लिखा है, तो हम इसे इसी करस्पॉन्डेंस में पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4। मान लीजिए कि मैं किसी और स्ट्रिंग पे, जैसे जी स्ट्रिंग पे अगर लिखता हूं 1, 3, 4 और 2, तो इसका मतलब है कि अब हमें प्ले करना है
थ्री, फोर और टू। फिर से देखेंगे, जैसे हमने अपनी थर्ड स्ट्रिंग पे लिखा है वन थ्री फोर एंड टू, तो हमें क्या प्ले करना है, वन थ्री फोर एंड टू। अब मान लीजिए अगर मैं इसकी जगह वन टू थ्री और फोर लिखता, इसका मतलब है कि हम अपनी अलग अलग स्ट्रिंग्स पे ई बी जी और डी पे कि वन टू थ्री एंड फोर है, इसका मतलब हमें ई स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट प्ले करना है, बी पे सेकंड करना है, जी पे थर्ड करना है और डी पे फोर्थ करना है। अब आप सब लोग गिटार पे मेरी तरफ देखिए, जैसे कि ये है वन टू थ्री और फोर, और मैंने बोर्ड पे इसे एक ही लाइन में लिखा है, मैंने एक ही लाइन में वर्टिकली लिखा है, इसका मतलब हमें इसे एक साथ बजाना है। तो ये देखिए हम इसको इस तरह से प्ले करेंगे, एक सिंपल हमें डाउन स्ट्रोक लेना है, डाउन स्ट्रोक मतलब हमें नीचे की तरफ प्ले करना है, और सेम चीज हम अप स्ट्रोक के साथ भी प्ले करेंगे। ये डाउन और ये अप, डाउन एंड अप। अगर अब मैं यही चीज मान लीजिए यहां पे लिखता हूं वन टू थ्री और फोर, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ये एक ही लाइन में एक के नीचे एक लिखे हुए हैं, वर्टिकली अलाइंड हैं एक के नीचे एक, तो हम इनको एक साथ प्ले कर रहे थे, वही शेप था ये। अब हमने बोर्ड पे लिखा है अलग अलग हल्का सा डिस्टेंस लेके, और ये देखिए एक लैडर टाइप का बन गया है, लैडर वाले फॉर्मेशन में लिखा है हमने, तो ये है हमारा। अब हमें अलग अलग नोट्स प्ले करने हैं, वन टू थ्री फोर। आप किसी भी तरह से आप इसे पिक से भी बजा सकते हैं, और आप अपने फिंगर्स से भी अगर बजाना चाहें तो हम इसको ऐसे प्ले करेंगे वन टू थ्री एंड फोर। जैसे कि अगर आपको पिक के बिना भी बजाना हो गिटार, तो आप ये ध्यान रखें ये हमारा थंब है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसे प्ले कर रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर से, वन टू थ्री एंड फोर, फर्स्ट फिंगर सेकेंड फिंगर थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर। हम इसको अल्टरनेट कर सकते हैं अपने फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करके वन टू थ्री फोर, और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं फोर थ्री टू और वन। अब जैसे जो मैंने ऊपर लिखा है क्रोमैटिक स्केल, इसको अब हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे गिटार पे प्ले कर सकते हैं। अब सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे तो यहां पे मैंने नंबर्स लिखे हैं थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव, और सिमिलरली जी स्ट्रिंग पे और बी स्ट्रिंग पे भी लिखा है। तो जो हमारा ये ए स्ट्रिंग है, मतलब हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग, तो सब लोग देखेंगे कि फिफ्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट हमें प्ले करना है, वो हम अपनी फर्स्ट फिंगर से प्ले करेंगे इस तरह। ये हमारा सी नोट है, सेकंड फ्रेट सेकंड नोट है हमारा सी शार्प, जो कि हमारा फोर्थ फ्रेट पे है। थर्ड नोट है हमारा डी, जो कि हमारा फिफ्थ फ्रेट पे है, और सिक्स नोट है हमारा डी शार्प, जो कि हमारा सिक्स फ्रेट पे है।
इसी तरह डी शार्प के बाद आता है ई, उसके लिए हम स्ट्रिंग नीचे मूव कर रहे हैं, फोर्थ स्ट्रिंग पे हम सेकंड फ्रेट प्ले करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट नोट आता है हमारा एफ, उसके लिए हम फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट प्ले करेंगे। उसके बाद हमारा नोट आता है एफ शार्प, उसके लिए हम फोर्थ स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट प्ले करेंगे। उसके बाद हमारा नोट आता है जी, उसके लिए हम फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट प्ले करेंगे। नेक्स्ट नोट है हमारा जी शार्प, उसके लिए हम थर्ड स्ट्रिंग पे प्ले करेंगे फर्स्ट फ्रेट जी। नेक्स्ट नोट है हमारा ए, उसके लिए हम थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट प्ले करेंगे। नेक्स्ट नोट है हमारा ए शार्प, उसके लिए हम थर्ड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट प्ले करेंगे। नेक्स्ट नोट है हमारा बी, उसके लिए हम थर्ड स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट प्ले करेंगे। और फाइनली हमारा जो लास्ट नोट है, जो कि हमारा वापस सी पे आएगा क्रोमैटिक स्केल में ऑक्टेव हाई, वो हमारा सेकंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट है। तो ये नोट और ये नोट दोनों सेम है, इनके दोनों में पिच डिफरेंस है। पिच डिफरेंस मतलब ये इससे हमारी थोड़ी बेसी नॉइज आएगी और ये थोड़ा ट्रेबलिश नॉइज है, मतलब ये भारी आवाज है और ये पतली आवाज है। तो अब एक बार में देखेंगे कि हम ने इसको क्रोमैटिक स्केल को किस तरह से गिटार पे प्ले किया है। इसी तरह आप इसमें वापस जा सकते हैं, और आप सब लोग देख सकते हैं मेरा राइट हैंड जो था, राइट हैंड मेरा प्ले कर रहा था एक बार डाउन स्ट्रोक और अप, डाउन अप डाउन अप। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट पिकिंग। इसको हम सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ये। और जब हम रिवर्स आ रहे हैं तो हम सारे अप स्ट्रोक प्ले करेंगे। तो जब हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, हमें तीन तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे कैसे? सबसे पहले हमें ऑल्टरनेट पिक करना है, इसका मतलब हमें डाउन अप प्ले करना है। दूसरा, हमें सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स प्ले करने हैं, सिर्फ डाउन 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 डाउन। उससे सेम हमें अप स्ट्रोक में प्रैक्टिस करना है, सारे अप स्ट्रोक्स, अप 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 अप। तो इससे क्या होगा कि आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन बनेगा, क्योंकि गिटार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए हमारे हाथों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे हाथों के कोऑर्डिनेशन। हमारे हाथों के कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है गिटार के लिए। तो जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे तब तक हम सही से गिटार नहीं प्ले कर सकते। उसके लिए जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है उसे आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। जब भी आप गिटार लेके बैठें, जब भी आप प्रैक्टिस करें, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को यहाँ तक, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है? KV2 जामनगर, सर ये बच्चे बोल रहे हैं वापस करवा दीजिए, थोड़ा सा रिपीट करवा दीजिए। ठीक है। तो मैं क्रोमैटिक स्केल बता रहा था कि गिटार के म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं। इन 12 नोट्स को हम जब सीरियल वाइज लिखेंगे, सीरियली लिखेंगे
इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो हमारा एक क्रोमैटिक स्केल बन जाता है। म्यूजिकल नोट्स को जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमारा क्रोमैटिक स्केल बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सी से स्टार्ट किया था इसको, क्रोमैटिक स्केल को। तो क्रोमैटिक स्केल में म्यूजिक के सारे नोट्स आते हैं और वो ऑर्डर वाइज आते हैं, मतलब एक के बाद कौन सा नोट आता है जब हम पढ़ते हैं थ्योरी में। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो 12 नोट्स हैं वो मिलके हमारा क्रोमैटिक स्केल बनाते हैं। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है डायग्राम के थ्रू, इसे हम टैब डायग्राम बोलते हैं। गिटार के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट हमारी जो ये फर्स्ट लाइन है वो हमारे गिटार का फर्स्ट स्ट्रिंग है, और जो हमारी सिक्स्थ लाइन है वो गिटार का सिक्स्थ स्ट्रिंग है। तो ये जो हमारी लाइंस हैं ये हमारे गिटार के स्ट्रिंग्स को डिनोट करते हैं, और जो इन लाइंस पे मैंने नंबर लिखे हैं ये हमारे फ्रेट्स हैं। जो हमारे गिटार पे ये अलग अलग डिविजन्स होते हैं इन्हें हम फ्रेट्स बोलते हैं। इनको तो मैंने इनको फ्रेट्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेट नंबर, और मैंने सेम जो ये क्रोमैटिक स्केल है वो मैंने टैब डायग्राम में बताया है कि टैब्स में हम इसको कैसे रीड करके हम ये क्रोमैटिक स्केल जो मैंने यहाँ पे लिखा है हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने क्रोमैटिक स्केल देख लिया है, इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सरसाइज है जो कि हमारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3 4 4 3 2 1। हमें ई स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट प्ले करना है, बी स्ट्रिंग पे हमें सेकंड फ्रेट प्ले करना है, जी स्ट्रिंग पे हमें थर्ड फ्रेट प्ले करना है, और डी स्ट्रिंग पे हमें फोर्थ फ्रेट प्ले करना है। ये हमारा एक पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हमें डी स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट प्ले करना है, जी स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट प्ले करना है, बी स्ट्रिंग पे सेकंड करना है, और ई स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट प्ले करना है। आप देख सकते हैं कि लैडर फॉर्मेशन में है, इस तरह से स्टेयर्स के फॉर्मेशन में है ये। तो हमें ये वाला नोट सबसे पहले प्ले करना है, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और ये उसके बाद। और सिमिलरली हमें ये यहाँ पे हमें पहले फोर्थ फ्रेट प्ले करना है, देन हमें थर्ड प्ले करना है, देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। तो इसको हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से प्ले करेंगे अपने गिटार। तो ये 1 2 3 4, 4 3 2 1, ये हमारा पहला पार्ट है। क्या है हमारा पहला पार्ट? फर्स्ट स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट। ये हमारा एक पार्ट बन गया, हम इसे कहेंगे पार्ट वन। और ये हमारा सेकंड पार्ट है, फोर्थ स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, और फर्स्ट स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट। ये हमारा पार्ट टू हो गया। ये हमारा पार्ट वन एंड पार्ट टू हो गया। इसको हमें अल्टरनेट पिक करना है, मतलब डाउन अप डाउन अप, और सेम चीज आपको प्रैक्टिस करनी है डाउन अप के साथ साथ अप डाउन एंड अप डाउन। तो जैसे ये मैंने स्टार्ट किया था डाउन स्ट्रोक से, सेम चीज हमें प्रैक्टिस करनी है, हम इसे अप स्ट्रोक से स्टार्ट करेंगे।
ये एक्सरसाइज हमारे मेनली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए है। जब आप स्टार्टिंग में बजाएंगे तो हो सकता है कि क्लियर वॉइस ना आए, क्योंकि जो हम फ्रेट्स प्रेस करते हैं वो कई बार सही से फ्रेट्स प्रेस नहीं हो पाते हैं, या जो हमारी फिंगर्स हैं वो दूसरे स्ट्रिंग से टच हो रही होती है, उसकी वजह से आप क्लियर वॉइस नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप फ्रेट अच्छे से प्रेस कर रहे हैं, प्रॉपरली प्रेस्ड है वो, और दूसरी बात ये कि हमारी कोई और स्ट्रिंग कोई और फिंगर हमारी किसी स्ट्रिंग से टच अगर हो रही होगी तो हमें क्लियर वॉइस नहीं आएगा उसका। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप वही फ्रेट प्रेस करें। हमें फ्रेट के जो हमारे ये लाइन है हमें इस पर हाथ नहीं रखना है, जो हमारे ये डिविजन्स हैं हमें इसके इन बिटवीन हमें प्रेस करना है और हम प्ले करेंगे। अगर हम जो ये लाइंस हैं जो हमारे ये मेटल पार्ट है अगर हम इस पे फ्रेट जो लाइंस है अगर हम इस पे हाथ रखेंगे तो हमारी वॉइस क्लियर नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि इससे हमेशा पहले मतलब इन डिविजन्स के बीच में आपको प्रेस करना है, इन डिविजन्स के ठीक ऊपर आपको अपनी फिंगर नहीं रखनी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो हम फ्रेट प्रेस कर रहे हैं जिस फिंगर से वो फिंगर कहीं किसी और स्ट्रिंग में टच तो नहीं हो रही है। जैसे कि मैं ये प्ले कर रहा हूँ, अगर मेरी फिंगर मान लीजिए इस वाले फ्रेट पे सही से प्रेस नहीं है तो इस तरह से आवाज़ नहीं आएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे थोड़ा हार्ड प्रेस करना है। जब आप जो हार्ड प्रेस करेंगे तो वो आपको क्लियर साउंड देगा। और इस जैसे मैं अगर सेकंड स्ट्रिंग भी साथ में प्रेस कर रहा हूँ तो हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों स्ट्रिंग अलग अलग साउंड कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग साउंड नहीं करेंगे और मान लीजिए जैसे कि मेरा ये सेकंड फिंगर है ये अगर इसमें टच हो रहा होगा तो ये हमारा क्लियर वॉइस नहीं आएगा, इस तरह से हमारा क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी फिंगर जो हम फ्रेट प्रेस कर रहे हैं वही प्रेस हो और हमारी फिंगर किसी और फ्रेट पे या किसी और स्ट्रिंग को टच ना कर रही हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और अभी हमने किया था पार्ट वन और पार्ट टू, पार्ट वन एंड पार्ट टू हमने ये किया था। पार्ट वन हमने किया था और पार्ट टू मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रहा था हमारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के कॉम्बिनेशन के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कि जब हम अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को जब हम सिंक्रोनाइज करके रखेंगे तभी हम गिटार अच्छे से प्ले कर सकेंगे। तो ये हमारी मैं आपको एक बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। मैंने इसमें आपको इस एक्सरसाइज का अभी पार्ट वन और पार्ट टू बताया है। पार्ट वन मैंने आपको ये बताया था और पार्ट टू बताया था मैंने आपको, और इसे हमें अल्टरनेट पिक करना है। अल्टरनेट पिकिंग मतलब डाउन पिकिंग और अप पिकिंग, और उसमें हम उसमें वेरिएट कर सकते हैं अप पिकिंग और डाउन पिकिंग में। तो डाउन अप आप प्ले कर सकते हो या आप अप डाउन प्ले कर सकते हो, ये हमारे अल्टरनेट पिकिंग है। अभी हम आगे बढ़ के देखते हैं इसका पार्ट थ्री और पार्ट फोर। ये हमारा पार्ट थ्री और पार्ट फोर में मैंने इसे डिवाइड किया है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ई स्ट्रिंग पे हम फर्स्ट स्ट्रिंग पे हम अपना फोर्थ फ्रेट प्ले कर रहे हैं और हमारी सेकंड स्ट्रिंग पे हम थर्ड फ्रेट प्ले कर रहे हैं, थर्ड स्ट्रिंग पे हम सेकंड फ्रेट प्ले कर रहे हैं और फोर्थ स्ट्रिंग पे हम फर्स्ट फ्रेट प्ले कर रहे हैं और फोर्थ स्ट्रिंग पे फिर से हम फोर्थ फ्रेट प्ले कर रहे हैं,
थर्ड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट प्ले कर रहे हैं, सेकंड पे सेकंड कर रहे हैं और फर्स्ट पे फर्स्ट कर रहे हैं। अब आप सब लोग मेरे गिटार की तरफ देखेंगे, इसको हम प्ले करेंगे। ये हमारा पार्ट थर्ड है और उसके बाद ये हमारा पार्ट फोर है। तो अब मैं आपको एक बार चारों पार्ट एक साथ बजा के दिखा रहा हूं कि अब तक हमने क्या प्रैक्टिस किया है। पार्ट वन था हमारा, पार्ट टू था हमारा, पार्ट थ्री है हमारा और पार्ट फोर है। इसमें हम देख रहे हैं कि हम इसमें अक्रॉस स्ट्रिंग्स फोकस कर रहे हैं अपनी इस एक्सरसाइज में, क्योंकि जनरली जब हम प्ले करते हैं तो हम एक ही स्ट्रिंग को यूज ना करते हुए, एक ही स्ट्रिंग पे हम हर टाइम प्ले नहीं करेंगे, हम अक्रॉस स्ट्रिंग्स जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई है वो अक्रॉस स्ट्रिंग्स है, ताकि आपकी हैबिट बने स्ट्रिंग्स को प्ले करने की, मतलब आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों किस तरह से प्ले, आपको किस तरह से उसको सिंक्रोनाइज करके रखना है अपनी प्लेइंग के लिए, इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई है। इस सेम एक्सरसाइज को आप अगर चाहें तो आप एक सिंगल स्ट्रिंग पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इसको करना है सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग पे प्रैक्टिस करना है, तो हमारा पार्ट वन था 1 2 3 4। इसको हम अगर सिंगल स्ट्रिंग पे करेंगे तो ये है हमारा 1 2 3 4, और हमारा पार्ट टू था, ये अक्रॉस स्ट्रिंग्स था। अगर और अगर हम इसे सिंगल स्ट्रिंग पे प्ले करेंगे तो ये हमारा पार्ट बनेगा, इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अक्रॉस स्ट्रिंग कर लिया हमने और ऑन द सेम स्ट्रिंग भी हमने सेम चीज प्ले करी है। जो पार्ट थ्री और पार्ट फोर मैंने आपको बताया था, ये हमारा पार्ट थ्री है, इसको हम अगर सेम स्ट्रिंग पे प्ले करना चाहेंगे, जैसे हमें फर्स्ट पे करना है सिर्फ प्ले, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1। और जो हमारा पार्ट फोर था जो हमने प्ले किया था वो था, वो हम सेम रख सकते हैं क्योंकि एक तरह से हमने सेम चीज प्ले करी है यहाँ पे 4 3 2 1 4 3 2 1। और अगर हम इसे सेम स्ट्रिंग पे प्ले कर रहे हैं तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि फ्रेट नंबर्स 4 3 2 1 जा रहा है हमारा। तो ये हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को सिंक्रोनाइज करने के लिए ये एक्सरसाइज थी, इसको जिसको मैंने अभी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। अब तक हमने देख, ये हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का सिंक्रोनाइज करने के लिए ये एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सिर्फ राइट हैंड को अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो राइट हैंड को प्रैक्टिस करने के लिए हम एक एक्सरसाइज देखेंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड से गिटार की स्ट्रिंग्स को म्यूट करना है। म्यूट इन द सेंस कि आप इसको हल्का सा प्रेस करके रखेंगे और आप अगर इस पे ऐसे स्ट्रम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आवाज़ नहीं आ रही है। तो हमें इसको इस तरह से म्यूट करके रखना है और सिर्फ हमारा जो राइट हैंड है उसको हमें मूव करना है। उसके लिए हम पहले डाउन अप, हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम सारी स्ट्रिंग्स को हिट कर रहे हैं, सिर्फ नीचे की नहीं या सिर्फ ऊपर की नहीं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पूरा इस तरह से थ्रू जा रहा है। इस तरह से हमें डाउन अप, पहले हम बहुत स्लोली इसको करेंगे
कि इसको चेक करेंगे कि हम सारे स्ट्रिंग्स को हिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेम सिमिलरली हम इसे अप स्ट्रोक में लेंगे, क्लियर है कि सारे स्ट्रिंग्स हमने इसे इस टाइम प्रॉपरली हिट किया है। इसको हम अब डाउन अप डाउन अप डाउन अप ये चीज प्रैक्टिस करनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम स्ट्रम कर रहे हो इवनली हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार बहुत ज्यादा लाउड उसे स्ट्रम कर रहे हो और एक बार हल्का और आप उसको एक बार हल्का स्ट्रम कर रहे हो। आपको ध्यान रखना है कि आपका डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक दोनों में वॉल्यूम लेवल आपका बराबर हो और आपके जो आपके स्ट्रम्स हैं वो इवन होने चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही अब्रप्ट साउंड करता है। आप देखेंगे फिर हम इसको और इसका वेरिएशन ले सकते हैं। सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ अप स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरली अप स्ट्रोक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है क्योंकि ये हम हमारा जो नॉर्मल मोशन है वो नीचे की तरफ है और हम उसे ऊपर स्ट्रम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अप स्ट्रोक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका अप स्ट्रोक्स इवन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आपको इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 आप काउंट करें और इसको प्ले कर सकते और इस तरह से प्ले करें। 4 times आप डाउन प्ले करें, 4 times आप अप प्ले करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 आप देख रहे होंगे कि मैं जब अप स्ट्रोक भी प्ले कर रहा हूं तो इसमें मेरी सारी स्ट्रिंग्स पे जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नीचे की 2 या 3 स्ट्रिंग्स प्ले कर रहा हूं, ये सारे स्ट्रिंग्स में प्ले कर रहा हूं। ये हम बहुत जरूरी है कि आप इनिशियली जब आप गिटार सीख रहे होते हैं तो आपके स्ट्रम्स हमेशा क्लियर आने चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के फिर ये जो अभी आपका जो वीकनेस है ये और ज़्यादा बढ़ती जाती है और हम सही से प्ले नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूँ। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से हमने काउंट किया। सेम चीज हम करेंगे आप डाउन स्ट्रोक्स के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम अप स्ट्रोक के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारे राइट हैंड के लिए स्ट्रमिंग एक्सरसाइज है। जब भी हम गिटार में रिदम पार्ट प्ले करते हैं, गिटार में जनरली 2 तरह से हम प्ले करते हैं, एक लीड पार्ट होता है और दूसरा रिदम पार्ट होता है। लीड पार्ट में मोस्टली आप सिंगल स्ट्रिंग या 2 strings पे आप प्ले कर रहे होते हैं और रिदम के लिए डिपेंड करता है आप कौन सा कॉर्ड प्ले कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको मोस्टली आपको 4 या 5 strings एक साथ प्ले करने होते हैं। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब 4 या 5 strings एक साथ आप प्ले कर रहे हो तो उसके लिए आपका राइट हैंड उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो जो ये एक्सरसाइज है ये आपको अभी से प्रिपेयर करेगा आपको रिदम एक्सरसाइजेस के लिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे इसको आज एंड करेंगे और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं school@r2rvirsa.com पे, और जो भी आपका क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे कि हम उसको आपका जवाब दे सकें और आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। थैंक यू।